हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो हम पहले से स्टार्ट कर चुके थे उसी का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 3 है, आप सीरियल वाइज देख लेना। लेक्चर नंबर 1-2 को वापस देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो और लेक्चर नंबर 3 पे हम स्विच करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे किस किसके बारे में, आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में, एरियल एनिमल्स के बारे में, एडेप्टेशन फॉर फूड, ठीक है, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, एडेप्टेशन फॉर बिहेवियर, जिसमें हम माइग्रेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में, ठीक है, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो एंडेंजर्ड कंडीशन में है उन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमें फर्स्ट वीडियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसी में बता चुकी थी आपको कि आर्बोरियल एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो कहाँ पर बिताते हैं, ट्रीज के ऊपर बिताते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका जो घर है या हैबिटेट है वो क्या है, ट्रीज है, क्योंकि वहीं पर ये रहते हैं और वहीं पर रहकर अपनी पूरी लाइफ जो है स्पेंड करते हैं। हम ये नहीं बोल सकते पूरी लाइफ, पर मोस्ट ऑफ टाइम जो है अपनी लाइफ का वो ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। अब इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे, ट्रीज पर रहेंगे तो उसके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब कैरेक्टर्स में देखो, इनके पास में प्रीहेंसाइल टेल होती है, ठीक है। वो प्रीहेंसाइल टेल क्या करती है, इनको किस चीज में हेल्प करती है, ये ब्रांचेस के ऊपर रहेंगे क्योंकि ट्रीज के ऊपर ब्रांचेस होंगी, तो ब्रांचेस पे जैसे इनकी जो टेल होती है वो सर्कल बना लेती है, ठीक है, उसके चारों तरफ ये टेल को जो है वो अटैच कर लेते हैं और उसके बाद में ये वहां पर आराम से रह सकते हैं, ठीक है, जिससे कि इनके गिरने की जो मतलब कंडीशन है वो खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ट्रीज के ऊपर भी रह सकते हैं लेकिन गिरते भी नहीं है नीचे, तो इसमें हेल्प करती है, ठीक है। ये टेल का नाम आपको याद रखना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पाइडर मंकीज हो गए, ट्री लिजार्ड्स हो गई, और भी काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बुक में से देख लेना, ठीक है। ये जो एनिमल्स है वो कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज के ऊपर रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है, ऐसे एनिमल जो ट्री के ऊपर रहेंगे इसके एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें कौन सी स्पेशल टाइप की टेल होती है वो याद रखना है आपको। एक दो फीचर और है जो आपको याद रखने हैं, वो क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लोज एंड मस्कुलर लिम्स टू क्लाइंब ट्रीज, यूज दियर स्ट्रॉन्ग क्लोज टू होल्ड ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। यानी ये क्या कर सकते हैं, इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग क्लोज प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा मस्कुलर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स का मतलब एक तरीके से हाथ और पैर के लिए यूज करते हैं लिम्स, ठीक है, जिसमें हाथ और पैर दोनों ही आ सकते हैं। तो इनके पास लिम्स जो है वो इस तरीके के होते हैं, क्लोज इस तरीके के डिजाइन होते हैं कि आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रीज के ऊपर रह सकते हैं और चढ़ सकते हैं। क्लोज की वजह से क्या कर सकते हैं, ट्रीज को, ट्री जो है उसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात समझ में, आगे देखते हैं एरियल एनिमल। एरियल एनिमल के बारे में आप जानते हो, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऐसे एनिमल जो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, वो किस में आते हैं, एरियल एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। अब एरियल एनिमल्स का नाम आते हैं जो उड़ सकते हैं, आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, बर्ड, ठीक है। बर्ड्स के साथ में इंसेक्ट भी जो है एरियल एनिमल्स में आते हैं, कुछ इंसेक्ट जो है उनको एरियल एनिमल्स में कंसिडर किया जाता है। आगे देखेंगे कि बर्ड जो है उनके पास क्या क्या स्पेशल चीजें होंगी, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। पहली बात तो हम बोलते हैं उनके पास क्या क्या प्रेजेंट होगी, उनके पास विंग्स प्रेजेंट होंगे, फीडर्स प्रेजेंट होंगे, टेल प्रेजेंट होगी, बोलो बोन्स प्रेजेंट होंगे, उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विंग्स प्रेजेंट होते हैं, उड़ने में हेल्प करेंगे। फीडर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे ही चेंज होती है उससे प्रोटेक्ट रखने में हेल्प करते हैं। टेल जो है वो क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। जैसे ये उड़ते हैं ना, तो उड़ते टाइम पे डायरेक्शन को चेंज करने में कौन हेल्प करती है, टेल हेल्प करती है। होलो बोन्स की वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है, लाइट वेटेड होती है, यानी इनकी बॉडी का वेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। अब आप जानते हो कि कोई भी चीज हवा में कब रह पाएगी, जब उसका वेट जो है वो बहुत कम होगा। यानी हवा में, हम अब भी बर्ड्स के बारे में बात करें तो बर्ड जो है वो हवा में कब उड़ पाएंगे, जब उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल लाइट वेटेड होगी। तो इनकी होलो बोन जो है, होलो का मतलब हम, होलो का जो मीन होता है हिंदी में अगर हम बताएं तो खोखला, ठीक है। कोई भी चीज खोखली होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ आउटर सरफेस उसकी दिखाई दे रही है, अंदर से वो पूरा खाली है। यानी एक चीज ऐसी जो अंदर से भी पूरी भरी है और एक चीज ऐसी जो अंदर से पूरी खाली है, तो वेट कम किसका होगा, जो अंदर से पूरी खाली है। तो इनकी बोन्स जो है वो होलो बोन्स होती है, ठीक है। होलो बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती है इनके पास में, जिसकी वजह से इनकी बॉडी लाइट वेटेड होती है, आराम से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक का समझ में आ गया, ये स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बोट जैसी बॉडी होती है, बोट लाइक बॉडी जो बोल सकते हैं हम इसको, शेप जो है इनका बोट जैसा होता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, आराम से उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर उड़कर अपना जो प्लेस है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे, बैट्स डू नॉट हैव एनी फीडर्स
ऑन देयर विंग्स, यानी बैट्स जो है उनके पास फीडर्स नहीं होते, विंग्स जो है उनके पास विंग्स के ऊपर फीडर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। देयर विंग्स आर मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन, यानी उनके विंग्स जो है वो किससे बने होते हैं, थिन लेयर जो होती है स्किन की, थिन लेयर जो होती है उससे मिलकर बने होते हैं। दीज आर स्ट्रेच अक्रॉस द आर्म्स एंड फिंगर्स, और ये आर्म्स और फिंगर्स के बीच में से निकली हुई होती है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि इनके विंग्स के पास में फीडर्स नहीं होंगे, और जो विंग्स आर मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन, यानी विंग्स जो है वो किससे बने होंगे, स्किन की थिन लेयर से बने होंगे। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल्स आर इंसेक्ट्स, यानी हमने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि एरियल एनिमल्स में हम किस किस को कंसिडर कर सकते हैं, बर्ड्स को कंसिडर कर सकते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि किस में कंसिडर किए जाते हैं, एरियल एनिमल्स में कंसिडर किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एडेप्टेशन फॉर फूड, यानी थर्ड टॉपिक पर स्विच करते हैं, एडेप्टेशन फॉर फूड, यानी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन ऐसे प्रेजेंट है खाना खाने के लिए, ठीक है, फूड को लेने के लिए क्या एडेप्टेशन उनके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स हो सकते हैं, किस बेस पर है, फीडिंग के बेस पर, जिस तरीके का वो खाना खाएंगे उनको उसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। आगे बात यहाँ तक समझ में, उसके बाद में देखेंगे हर्बीवोर जो है वो क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, घास को खा सकते हैं, पेड़ पौधों को खा सकते हैं। तो देखो हर्बीवोर एनिमल्स जो है हमको पता है प्लांट्स के ऊपर फीडिंग करते हैं, इनके जो टीथ होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, जो फ्रंट टीथ होंगे वो शार्प होंगे, और फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ, यानी इनके माउथ में बैक साइड पर कौन से टीथ होंगे, फ्लैट और स्ट्रॉन्ग टीथ होंगे, यानी फ्रंट में होंगे शार्प टीथ और बैक में होंगे कैसे, फ्लैट और स्ट्रॉन्ग टीथ। अब ये दोनों टीथ मिलकर क्या करते हैं, ये घास को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उसको चबाने का काम करते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो ये काम इसमें हर्बीवोर्स एनिमल्स में क्या करेंगे, स्पेशल टाइप के टीथ प्रेजेंट है। यानी हमको एडेप्टेशन क्या पता चला, कि इनका खाना जो है वो इस टाइप का है, घास वगैरह को खाते हैं, पेड़ों को खाते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, इनमें टीथ अलग टाइप के प्रेजेंट है, ठीक है। देखो आगे कार्निवोर्स एनिमल्स आपको पता है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो कि अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो कार्निवोर्स में क्या होता है कि इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प और पॉइंटेड होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इनके प्रे को पकड़ के उसको टेयरिंग करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं आराम से। यानी कार्निवोर्स में अलग टाइप के टीथ हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल इनके सबके दिए हुए हैं, हर्बीवोर्स में काउज हो गई, हॉर्सेस हो गए, कार्निवोर्स में आप टाइगर को ले सकते हो, लॉयंस को ले सकते हो, और भी काफी सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। आपको जब वीडियो देखना है तो बुक भी साथ में रखनी है और देखते जाना क्या क्या एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ओमनीवोर्स की, ठीक है। ओमनीवोर्स आर, कार्निवोर्स के बारे में देख लिया, ओमनीवोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट्स पे फीडिंग करेंगे, कार्निवोर्स अदर एनिमल्स पे फीडिंग करेंगे, और ओमनीवोर्स जो है वो दोनों को ही खा सकते हैं, इनके पास डबल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, यानी दोनों के ऊपर फीड कर सकते हैं आराम से। यानी हम बोलेंगे कि ग्रीन प्लांट्स को भी खा सकते हैं, अदर एनिमल्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। देखो ओमनीवोर्स में किस तरीके के टीथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी एडेप्टेशन जो है वो किस तरीके का होगा इनके पास में। दे हैव बोथ शार्प फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग एंड स्ट्रॉन्ग फ्लैट मोलर एंड मोलर फॉर ग्राइंडिंग देयर फूड, यानी इनके पास दोनों टाइप के टीथ होंगे, कैसे टीथ होंगे, शार्प और फ्रंट, मतलब फ्रंट टीथ जो है वो शार्प होंगे, और फ्लैट जो पीछे वाले जो मतलब बैक वाले जो टीथ है वो फ्लैट होंगे, यानी आगे वाले टीथ क्या काम करेंगे, उनका जो प्रे है उसको टीयर करने का काम करेंगे, पीछे वाले टीथ जो है वो च्विविंग का काम करेंगे, यानी उसको चबाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं ह्यूमंस आ सकते हैं, डॉग्स इसके अंदर आ सकते हैं, बियर्स आ सकती हैं, स्पैरोज आ सकती हैं, तो आप एग्जाम्पल बुक से देख लेना अच्छे से, सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे दिए हुए हैं, कम से कम 6-7 एग्जाम्पल दिए हुए आप देख लेना। उसके बाद में पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स तो वर्ड यूज करना आई थिंक गलत होगा, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसके अंदर रहते हैं, एक होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। अब उस होस्ट बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मतलब इनको काम कुछ नहीं करना, बस क्या काम करना है, अपने नंबर्स को बढ़ाते जाना है, ठीक है। यानी एक पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर एंटर किया है तो थोड़े टाइम बाद में काफी सारे पैरासाइट जो है वहां पे वो बढ़ जाएंगे, यानी बन जाएंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जिस होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं वहीं से अपना पूरा खाना ले लेते हैं, ठीक है, यानी होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और वहां से अपना खाना जो है वो ले लेते हैं, और अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो उस होस्ट बॉडी के अंदर ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
तो पैरासाइट क्या होंगे, जो होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे वहीं से अपना सारा खाना लेंगे, होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे यानी हार्मफुल इफेक्ट उसके ऊपर डालेंगे। और एग्जाम्पल जो है इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे लीचेस हो सकती है, टिक्स हो सकते हैं, लाइस हो सकती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी भी होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहीं से अपना सारा फूड लेते हैं, ठीक है। तो फूड मतलब इनका खाने के लिए क्या मिल गया, इनको एक एडेप्टेशन मिल गया कि इनको कोई मेहनत नहीं करनी, बस क्या करना है दूसरे होस्ट बॉडी के अंदर जाना है, बना बनाया खाना जो इनको मिलेगा सिर्फ इनको क्या करना है वहां से लेना है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें पैरासाइट्स की कंडीशन में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि होस्ट बॉडी जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, तो ह्यूमन बींग भी हो सकते हैं, डॉग्स हो सकते हैं, पिग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो सकते हैं, होस्ट बॉडी हो सकते हैं, यानी इनके सबके अंदर ये रह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्केवेंजर्स की, ठीक है। स्केवेंजर्स क्या होते हैं, जो कि डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। जो भी डेड एनिमल्स होते हैं उनसे अपना खाना लेते हैं, ठीक है। इनके पास दो स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एक तो इनके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल, यानी जो स्मेल होती है उसको बहुत एडवांस तरीके से सेंस कर सकते हैं ये, और उसके अलावा इनके पास एक्सीलेंट आईसाइट होती है, ठीक है, यानी आईसाइट बहुत परफेक्ट होती है इनकी, दूर से ही अपने प्रे को देख लेते हैं ये, और स्मेल के थ्रू भी वो चीज रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारा खाना है और हम जाके वहां पे खाना ले सकते हैं। तो स्केवेंजर्स क्या होते हैं, डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हाइनाज इसके अंदर आ सकती है, वल्चर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, और एग्जाम्पल भी अच्छे से दिए हुए आपको बुक में। उसके बाद एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्ट रहने के लिए क्या काम करते हैं। अब कोई भी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आपको पता है भाई आपको अगर प्रोटेक्शन लेना है किससे, कि आपके पीछे कोई डॉगी है वो पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन लेने के लिए आप मूवमेंट करोगे, ठीक है, दौड़ लगाओगे। वैसे हर एक एनिमल के पास एक स्पेशल टाइप की फीचर्स हम बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप की एक एक्टिविटी करते हैं वो, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, किससे, उनके जो भी प्रिडेटर्स होंगे, जो भी एनिमीज होंगे उनसे प्रोटेक्टेड रखेंगे। आगे देखेंगे अब, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे कौन कौन हो सकते हैं, बफेलो हो सकते हैं, एलिफेंट्स हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप में रहते हैं ताकि कोई भी अगर शिकारी जो है वो आए इनको मारने की कोशिश करे तो ये सारे ग्रुप में एक साथ इकट्ठा होकर उसको फेस करते हैं। कहने का मतलब है कि सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, यूं नहीं कि अगर किसी एक को खतरे में देखा तो सारे बच के भाग गए और उसको छोड़ दिया वही कंडीशन में, नहीं, ये ग्रुप में रहने का इनका मतलब यही है कि एक दूसरे को आराम से ये हेल्प करते हैं किसी भी कंडीशन में, जब भी कोई अपोजिट कंडीशन होती है तो उसमें एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आगे देखेंगे, सम एनिमल्स सच एज डियर एंड कंगारूज हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड इनेबल देम टू होप एंड रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम डियर एनिमीज, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी दौड़ने की यानी रनिंग की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रीडेटर से बच सकते हैं। एनिमल्स सच एज राइनोसोरस एंड बफेलोस हैव हॉर्न्स फॉर देयर डिफेंस, यानी इनके पास क्या होते हैं, हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, सींग होते हैं इनके पास, किस चीज के लिए, अपने डिफेंस के लिए, यानी कभी भी अगर ऐसी कंडीशन में है कि प्रीडेटर उनके आसपास है या ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट होती है तो ये डिफेंस के फॉर्म में अपने हॉर्न्स को यूज कर लेते हैं। उसके बाद में देखो टॉर्टोइज एंड स्नेल, यानी टॉर्टोइज और स्नेल जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर आउटर शेल कवरिंग होती है, ठीक है, यानी आउटर जो कवरिंग होती है उसको शेल बोलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, किससे, इनके प्रीडेटर से, कैसे, व्हेन दे सेंस डेंजर दे हाइड देमसेल्फ इनसाइड देयर शेल, यानी जब इनको लगता है कि कोई डेंजर कंडीशन है तो ये शेल के अंदर अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टॉर्टोइज भी देखा होगा आपने, ठीक है, स्नेल का तो मैं नहीं बोल सकती लेकिन टॉर्टोइज तो सबने देखा होगा, उसकी बॉडी कितनी हार्ड होती है, जब भी उसको टच किया जाता है तो वो अपने सारे लिम्स यानी अपने पैर जो होते हैं उनको सबको अंदर इकट्ठा कर लेता है और एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपने प्रीडेटर्स से बचते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ एनिमल्स जो है वो क्या कर लेते हैं, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेज बोलेंगे, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, जैसी इनकी सराउंडिंग थी उसी के अकॉर्डिंग अपने कलर को कन्वर्ट कर लिया। अगर हम बात करें कि कोई एनिमल जो है जो कि कैमोफ्लेज की प्रोसेस करता है तो वो क्या करेगा, जैसे आप अगर वो किसी ग्रीन प्लांट पर बैठा हुआ है और उसे लग रहा है कि कोई प्रेडेटर आ रहा है जो कि उसको शिकार करने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी का कलर उसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेता है, यानी चेंज कर लेता है थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम के लिए, जितने टाइम उसको सेफ्टी में रहना उतने टाइम के लिए वो अपनी बॉडी का कलर जो है वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज करके अपने आप को सेफ जोन में रह जाता है, ले जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, स्टिक इंसेक्ट जो होता है वो क्या करता है, स्टिक इंसेक्ट जो है
जैसे किसी प्लांट के ऊपर बैठा हुआ है, स्टिक जैसी होती है, उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी लगती है कि कोई लकड़ी रखी हुई है, ठीक है। जब भी कोई प्रेडेटर आता है तो उससे सेफ रहने के लिए वो क्या करता है, मतलब ऑटोमेटिक सेफ रहेगा अगर प्लांट के ऊपर है तो, क्योंकि उसकी बॉडी कैसी है, स्टिक जैसी है, तो प्रेडेटर जो है वो क्या सोचेगा, तो एक स्टिक है तो उसके ऊपर फीड नहीं करेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पोलर बियर की। पोलर बियर में क्या होता है, पूरा व्हाइट कलर की बॉडी होती है, जिससे वो स्नो के अंदर खुद भी व्हाइट अपीयरेंस देता है, ठीक है, यानी दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, तो कोई भी प्रेडेटर आएगा तो उससे बच जाएगा। जेब्रा जो होता है उसके अंदर क्या होती है, व्हाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, जिससे दूर से कोई भी प्रेडेटर अगर उसको देखता है तो उसको क्या लगता है कि व्हाइट और ब्लैक कलर की सिर्फ स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, जेब्रा नहीं है, तो इस तरीके से अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्टेड रहता है। कटल फिश की बात कर लेते हैं और एक पफर फिश की बात कर लेते हैं। कटल फिश क्या करती है, इसके पास ना एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर इंक प्रेजेंट होती है, तो जैसे इसको लगता है कि कोई प्रेडेटर आ रहा है तो वो उस इंक को ब्लास्ट करके बाहर निकाल देती है, और उसका सराउंडिंग का जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे प्रेडेटर से अपने आप को सेफ रख लेती है। पफर फिश जो है वो क्या करती है, जैसे कोई प्रेडेटर इसके पास में आता है तो अपनी बॉडी का साइज जैसा उसका एक्चुअल साइज होता है उससे डबल साइज में इसको कन्वर्ट कर लेती है, तो इस तरीके से अपने आप को सेफ रखते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एडेप्टेशन इन बिहेवियर, यानी बिहेवियर में एडेप्टेशन के लिए क्या करते हैं, तीन प्रोसेस होती है मेनली। हम बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कंडीशन चेंज हुई, अगर लगता है कि बर्ड जो है वो ज्यादा विंटर सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो अपने प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। कहने का मतलब माइग्रेशन अपना खुद का जो उनका हैबिटेट होता है उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़कर किसी दूसरी जगह पर वो जाके अपना हैबिटेट बना लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है माइग्रेशन। जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, आर्कटिक टर्न्स हो गए, तो आप एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद हाइबरनेशन की प्रोसेस करते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो गर्मियों में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी विंटर स्लीप मतलब सर्दियों में ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, यानी कहने का मतलब सर्दियां फेस नहीं कर सकते, या हम ये बोल सकते हैं इनको सर्दियां पसंद नहीं होती, तो ये गर्मी में क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जितना भी उनको फूड रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक लंबी स्लीपिंग कंडीशन में जाते हैं तो जितना भी फूड उनको रिक्वायर्ड होता है वो उनकी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक लंबे स्लीप कंडीशन में चले जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, और हाइबरनेशन को ही हम क्या बोल सकते हैं, विंटर स्लीप। आप याद रख सकते हो हाइबरनेशन विंटर स्लीप, विंटर स्लीप मतलब सर्दियों में सो जाना, गर्मी में जागे रहेंगे, सर्दियों में वापस जाके सो जाएंगे। सोने का मतलब होता है कि एक जगह पर जाके रहेंगे, वहां पे अपनी जो है पूरी जो भी उनकी लाइफ है वो वहीं पे निकालेंगे उतने टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेशन की हम बात करें, समर स्लीप, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि समर को फेस नहीं कर सकते, यानी गर्मियां जो इनको पसंद नहीं है तो गर्मी के टाइम पे स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं। सर्दियों के टाइम पे खूब सारा खाना खाएंगे, अपनी बॉडी के अंदर फेट इकट्ठा करेंगे, खाना इकट्ठा करेंगे, और फिर उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, वो स्लीपिंग कंडीशन में, कौन से मौसम में, समर के समर सीजन में। उसके अलावा हम बात करते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स की, ठीक है, यानी एनिमल्स इन डेंजर। अब इसमें दो टाइप के एनिमल्स हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स और एक पढ़ते हैं हम एंडेंजर्ड एनिमल्स। यानी एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होंगे, ऐसे एनिमल्स जो कि गायब हो चुके हैं, कहने का मतलब जो अभी हमको अर्थ पे देखने को नहीं मिलते। एंडेंजर्ड एनिमल्स के ऐसे एनिमल्स जो कि एक डेंजर कंडीशन में, कहने का मतलब अगर हम टाइम पे अवेयर नहीं हुए तो वो एनिमल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे यानी डिसअपियर हो जाएंगे। तो आपको दोनों समझ में आ गया, एक्सटिंक्ट एनिमल्स और एंडेंजर्ड एनिमल्स। एग्जाम्पल आप बुक में से देखेंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको सारे जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए उनका एग्जाम्पल आप बुक से देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सब कुछ, ये चैप्टर हमारा हो चुका है खत्म। अब आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, जो आपको डाउट है वो आप पूछ लेना, ठीक है, और तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।